नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए दुकान करे पकौड़ों की और बात करे करोड़ों की। अपने मुल्क के चार सूबे संभल दे रहे और दावा कर रहे हैं कि गुजरात का जूनागढ़, ले लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। इसको अपना भूभाग दर्शाने के लिए इमरान लोंडे ने बाकायदा राजनीतिक मैप जारी किया है। यानी इन तहमतबाजों को लगता है कि अपने मैप में कुछ भी छाप देने से वह मुल्लाओं की सल्तनत बन जाएगी। कल को ये भिखारी जमात व्हाइट हाउस पर पिछवाड़ा उठा गिराकर उसे भी अपना मदरसा घोषित कर देंगे। अगर ऐसे ही मैप छापने से सीमाएं बदलती तो दक्षिण एशिया की आधे से ज्यादा आबादी पर आज चीन का शासन हो जाता। पर ये मदरसे से निकली खानदानी दवा खाने की दवाओं से उपजी वो जमात है जिसकी खोपड़ी जमीन चाटते चाटते मटिया मेट हो चुकी है। किसी भी मामले में इनकी बुद्धि कम ही चलती है। दुनिया की देखा दाखी ये मदरसा कौम ज्यादा करती है। चीन ने नेपाल को नक्शा बनाने का पाठ पढ़ाया तो इन्हें भी लगा निठल्लेपन में यह हरकत टाइम पास के लिए अच्छा बहाना है। इसलिए पहले इमरान लोंडे ने गधैया नृत्य करके दिखाया, बाद में पूरा पाकिस्तान गधैया नृत्य करने लगा। पता नहीं किस नाड़ीबुल्ला ने इन्हें गोली दे दी कि नक्शा बनाओ, सड़कों के नाम भारत के नाम पर कर दो, फिर पूरा हिंदुस्तान इनका हो जाएगा। इन जाहिलों को यह भी नहीं पता कि जिस इस्लामाबाद की सड़क का नाम इन्होंने श्रीनगर रखा है वह श्री मुल्ला कौम का ट्रेडमार्क नहीं है बल्कि पूरी तरह शुद्ध सनातनी शब्द है। पर पाक के ऐसे टोपी बाज है जो गधे की सवारी करके शत्रुमुर्ख की पीठ का आनंद लेते हैं। जब तक धरातल पर आते हैं तैमन उड़ चुके होते हैं और उलूल जुलूल तालीम देने वाले पाक के मदरसे उजड़ चले होते हैं। अब इससे पहले कि इनकी मदरसा नीति का तैमन हरण हो, इमरान लोंडे के उन ख्वाबों को भी सुन लेते हैं जो उन्होंने जागते हुए देखे और सोते हुए पूरा कर लेंगे। आइए सुनते हैं लोंडा कितनी गति से हवा में उड़ रहा है। आज हम पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान की कैबिनेट ने, कश्मीरी लीडरशिप ने और सारी ऑपोजिशन की लीडरशिप ने भी इस नए नक्शे की तायिद की है। ये जो नक्शा है जो हम पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं, ये सबसे पहले पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। उसके बाद ये पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का जो असूली मौकफ है उसकी तायिद करता है। और जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त पिछले साल गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था कश्मीर में, ये उसकी नफी करता है। और आज से सारे पाकिस्तान में जो हमारा ऑफिशियल नक्शा होगा पाकिस्तान का, वो ये जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास। देखिए मदरसा पैदाइश अगर बकलोली के बजाय बरकत पर ध्यान देती तो आज चीन इनकी टोपी और तहमंद की बोली नहीं लगा रहा होता। पर लगता यूं है कि इन्हें आज भी गुमान है कि अंगूर खजूर के पेड़ पर ही लगते हैं। खासतौर से 24 महीने का नक्कारा सुल्तान इमरान लोंडा जाहिल कौम को जो मैप दिखा रहा है उसके कोई मायने नहीं है बल्कि उनके इस कदम से पाक मुल्ला कौम की बढ़िया से जगहशाही होने का कार्यक्रम है। क्योंकि इमरान लोंडे का यह तशरीफ टिकाऊ ऐसा आइडिया है जिसे हीरा मंडी की दुकान से खरीदे गए 54 प्रास को खाकर अमल में लाया गया है। दरअसल कश्मीर पर बाजी पूरी तरह हाथ से निकलने की बेचैनी से इमरान लोंडा पूरी तरह घबरा गया है। कल इमरान की कैबिनेट की तरफ से पाकिस्तान का नया मानचित्र जारी कर उस घबराहट पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। वैसे भी इमरान के घबराना नहीं के मंत्र से मुल्लाओं की तशरीफ के सारे कलपुर्जे जंग खा चुके हैं। ऐसे में 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी की आस में बैठे टोपी बाजों की तशरीफ पर यह नक्शा चिपकाया जाएगा। यानी जब भी घबराने की नौबत आएगी इस मानचित्र को देखकर सारे टोपी बाज एक दूसरे की पीठ पर खुजाकर संतुष्ट हो सकते हैं। इस मानचित्र में बाकायदा जम्मू कश्मीर, ले लद्दाख सर्किल लाइन के साथ गुजरात के जूनागढ़ को भी मदरसा मुल्क में शामिल करके दिखाया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने कश्मीर से धारा 370 हटने की पहली वर्षगांठ पर यह मानचित्र जारी किया है। इमरान खान जायलों वाली हरकत करके ये दिखाने के प्रयास में है कि अभी मोदी से उन्हें और चांटे खाने हैं। यानी अब मार के दिखा का खेल अभी बहुत लंबा चलने वाला है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इमरान की इस नौटंकी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। भारत ने भी लोंडे की इस नौटंकी को उतनी तवज्जो दी जितनी की इसको जरूरत है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी में कहा गया है कि यह राजनीतिक मूर्खता का ऐसा कदम है जिसका ना तो कोई कानूनी आधार है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता है।
विदेश मंत्रालय ने उल्टे यह कहकर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी कि पाकिस्तान दूसरों की जमीन हड़पने के आक्रामक रवैये को अपनाता है, जिसे वे सीमा पार आतंकवाद के समर्थन से चलाते हैं। यानी इमरान लोडे की कारस्तानी की वजह से ही इमरान का मानचित्र पाकिस्तान की मुसीबत बनने जा रहा है। इन अनाड़ी मुल्लाओं के इस जाहिलपन को इस तरह भी समझ सकते हैं। इमरान ने नया राजनीतिक मैप जारी करके 1947 के बंटवारे के समय किए गए तमाम वैधानिक कोशिशों को ठुकरा दिया है। मसलन जूनागढ़ में किए गए जनमत संग्रह को भी खारिज कर दिया है और सरकरी लाइन को भी अपना हिस्सा बताया है। जूनागढ़ में वर्ष 1948 में जनमत संग्रह भी हो चुका है और वहां के 99.95% लोगों ने भारत के साथ रहने का फैसला किया था। इससे सीधे सीधे पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान 1947 के बंटवारे को ठुकरा रहा है तो फिर पाकिस्तान नहीं अखंड भारत है। पर लगता यूं है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से मुल्लाओं के तबेले में मची खलबली अभी शांत नहीं हुई है। इस देश में इस उपलक्ष्य को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यूं भी भारत ने इन्हें इतनी मार मारी है या अभी और भी मारेगा कि इस देश में हर महीने काला दिवस मनाया जाया करेगा। काला दिवस मनाते मनाते एक दिन पूरा पाकिस्तान काली राख बन जाएगा। भारत से टक्कर लेना बल्ब चोर और गटर साफ करने वाली पाक फौज के बूते की बात नहीं है। इसलिए यहाँ काला दिवस का रिवाज धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। कम से कम ऐसा करके जाहिल मुल्ला अपनी खीज मिटा सकते हैं। पाकिस्तान को यकीन हो चुका है कि कश्मीर उनके हाथ में अब कभी नहीं आएगा। जब तक पीओके सही सलामत है उसे देखकर ही रिजाई खिजाई करने की कोशिश है। मुल्क के वो मुल्ला जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कहते हुए हुरों की खोज में फरार हुए थे, अब उनकी रूह को तसल्ली देने के लिए इमरान द्वारा यह नौटंकी करना मजबूरी है। दुनिया से लेस मात्र भी समर्थन इस मुद्दे पर नहीं मिल सका है। भारत पर दबाव डालने के लिए व्यापार से लेकर कूटनीतिक संबंध तक कम कर दिए गए। इसका उल्टा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गर्त में जाकर चुकाना पड़ा है। जिन टोपीबाजों ने ना पाकिस्तान के नाम पर गधैया नर्तक किया था, अब वे 3 दशक पीछे खिसक चुका है, जहां बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और तानाशाही पूर्ण रवैया शिखर पर पहुंच गया है। सेना कराची के गटर में मुंडी डालकर कीचड़ का वजन तोल रही है और जनता बेगानी शादी में मुल्ला दीवाने की हालत में है। जनता समझ नहीं पा रही है कि वह नए पाकिस्तान में है या पुराने पाकिस्तान में रह रहे हैं। ऊपर से उन्होंने अपने सिर पर इमरान नाम का जो खसम बिठाया है, वह दुनिया में पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती करा चुका है कि अमेरिका जैसे देश में रहने वाले पाक मुल्ला भी खुद को हिंदुस्तानी बताने लगे हैं। अब इमरान लोंडा एक और बेइज्जती का नक्शा लेकर आ गया है, जिसका खुद पाक अवाम ही आज खुलेआम मजाक उड़ा रहा है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इतना काला मुंह तो भारत ने भी नहीं किया जितना इस लोंडे ने कर दिया है। अगर यह लोंडा 5 साल और पाक का पीएम रह गया तो यह पता नहीं लग पाएगा कि सड़क पर बेगम जा रही है कि मुल्ला जी दौड़े जाते हैं, क्योंकि मुंह पर इतनी काली पुत चुकी होगी कि हर किसी को काला बुर्का पहनकर बाहर निकलना पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।